1952 से लेकर लगातार आज तक बैंक कर्ज देती है, कहते कुछ भी है लेकिन जिसके पास संपत्ति है उसको कर्ज देती है, जिसके पास आमदनी है उसको कर्ज देती है, जिसके पास जमीन है उसको कर्ज देती है, जिसके पास सोना है उसको कर्ज देती है, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है, ईमानदारी है, मेहनत करने की क्षमता है और कमाना चाहते हैं उसको कोई बैंक कर्ज नहीं देता है। आजाद हो गए हम, बैंक ईमानदार लोगों को कर्ज देने की व्यवस्था उस ओर आगे बढ़ना चाहिए, उसके लिए अनुकरणीय प्रकल्प है संगवारी। हम बड़ा बैंक नहीं है, हमारे पास 100 करोड़ 500 करोड़ की पैसा नहीं है, हमारे पास दिल है। इन लोगों के बगैर ये देश नहीं चलेगा। तो हम लोगों से पैसा लिया 50 लाख 5 लाख 2 लाख, लोगों को हम कर्ज दे रहे हैं। दिनकर जी कहते हैं कि गत एक साल से चल रहा है, पैसा नहीं चुकाया ऐसा एक भी नहीं है। मैं चुनौती दे रहा हूं बैंकों से, जब संगवारी को एक भी पैसा नहीं चुकाया ऐसा स्थिति है तो बैंकों को, अगर ईमानदारी बैंकों के पास है तो बैंक क्यों नहीं देगा और बैंक को क्यों पैसा नहीं चुकाएंगे? जब संगवारी में यह संभव है तो अगर ईमानदारी है और आपके पास संकल्प है तो आपके पास भी यह संभव है। छोटो लोग अचार बनाते हैं, पापड़ बनाते हैं, चप्पल बनाते हैं, कोई खिलौना बनाते हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं, मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं और अपना परिवार का पालन कर रहे हैं। उनके लिए कोई कर्ज देने की व्यवस्था नहीं है, केवल कर्ज मात्र उपलब्ध होने से उनके आमदनी में कई गुना बढ़ोतरी होती है। सुबह 100 रुपये लेते हैं, वो 90 रुपये देता है, 10 रुपये काटता है, शाम को आकर के 100 रुपये वापस लेके जाता है, 10 रुपया रोजाना ब्याज, 30 दिन के अंदर 300 रुपया। दुनिया भर में ऐसा कोई कौम दिखाइए कि इतनी महंगी ब्याज देकर के अपने पालन परिवार का पालन करने वाला कोई कौम हो। इस देश में गरीब लोग इतनी मेहनत करके अपना परिवार को पालते हैं। गांव से आए हुए रायपुर पहुंचे हैं, रायपुर में अपना कोई नहीं है, साहूकार पैसा देता है और सब्जी बेचते हैं लोग, फल बेचते हैं लोग,